और लास्ट टाइम के लिए देख लो यार। पहले एक एड आता था ना गाइस, धूल मिट्टी होगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। घंटा साला अंदर क्या है गाइस, क्या है सबसे खास चीज ना गाइस, ये देख पा रहे हो। लगवाने का और ऑर्डर करने का कॉस्ट ऑलमोस्ट 7000 आ चुका है मेरा। क्या जरा भाई को थोड़ा सा वाश, क्योंकि अपन ने थोड़ा सा कुड़ापति दिमाग लगा के 12.5 रुपया वाला जो पॉलिश मिलता है ना वो करवा लिया था भाई। हर किस्मत कीजिएगा। एक और चीज सबसे बड़ा प्रॉब्लम। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। सो गाइस, 2-3 वीडियो से मैं आप लोगों को बोल रहा था कि मैं बाइक में करवाने वाला हूँ या तो पीपीएफ या तो लेमिनेशन, लेकिन उसके बाद पता नहीं यार कैसे दिमाग में मतलब पूरा प्लान ही चेंज हो गया मेरा। अभी मैं करवाने वाला हूँ गाइस रैप, पूरा डिकल्स लगाने वाला हूँ एंड नया लुक लाने वाला हूँ बाइक पे। 2 दिन पहले मेरे यहाँ पे आ चुका था डिकल्स, अभी तक अनबॉक्सिंग नहीं किया तो वो सब पहले अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। तो गाइस, न्यू लुक के लिए पार्सल 2 दिन पहले आ गया था, अभी तक अनबॉक्स भी नहीं किया क्योंकि टाइम नहीं था मेरे पास, तो अभी ओपन करना पड़ेगा। अंदर कुछ इधर उधर है तो वो सब देखना पड़ेगा, वरना पॉलिसी खत्म हो जाने से क्या ही काम। तो चलिए फिर अनबॉक्स करते हैं एंड देखते हैं क्या सीन है, अंदर क्या आएगा, इस क्या है। नीचे के साइड ना सही से फोल्ड नहीं किया था इन लोगों ने एंड कुछ ऐसा हो चुका है अभी। सबसे खास चीज ना गाइस, ये देख पा रहे हो। सो अभी तो आप लोगों को देख के शायद समझ में आ नहीं रहा होगा कि कौन सा डिजाइन का बनेगा, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसा लुक आएगा। देख के ना फर्स्ट इम्प्रेशन उतना भी तगड़ा नहीं है जितना मैंने पे किया था, बट लगाने के बाद शायद ही थोड़ा सा लुक इनहेंस हो जाए और क्वालिटी सही लगा गाइस। बाकी ये छोटा छोटा जगह पे जो ये सब उखड़ गया है ना, तो यही सब के लिए थोड़ा सा मूड खराब हो चुका है। पहले सोचा था कि खुद लगा लेंगे ये सब, लेकिन अभी लग रहा है खुद से नहीं हो पाएगा। नियर बाय रैपिंग का दुकान पे लेके जाके वहाँ पे लगाना पड़ेगा। और अभी ना गाइस, ये सब इतना सारा कुछ देख के मेरे को लग रहा है कि सिलीगुड़ी जाके करवाने से शायद मेरे लिए अच्छा होता। सो देखता हूँ कल अगर होता है, क्योंकि अभी रात हो चुका है, अभी टाइम हो रहा है 6:28 अभी तो कुछ नहीं हो सकता। तो कल सुबह देखेंगे यार कौन सा दुकान में सही होगा। अभी दो दुकान है इधर, पहले एक ही था बीरपारा में, अभी मदरहाट में भी है, तो दोनों में से एक में लेके जाऊंगा एंड खर्चा वहां पर भी होने वाला है। The next day. तो गाइस, नया दिन का शुरुआत, मतलब शुरुआत भी इतना लेट को हुआ, अभी बच रहा है 2:09 और लास्ट टाइम के लिए देख लो यार स्टॉक कलर, क्योंकि इसके बाद इसका पूरा कलर थीम चेंज होने वाला है एंड कैसा लुक आएगा वो सब तो आप लोग को बाद में देख के पता चल ही जाएगा। और अभी 2-3 भाई लोगों के साथ डिस्कस करके ये डिसाइड किया कि जाऊंगा मैं मदरहाट, वहाँ पे डिकल्स थोड़ा अच्छा से फिटिंग करता है, ये सोना में। बीरपारा में भी फिटिंग करता है लेकिन वहाँ पे भीड़ ही ज़्यादा रहता है तो काम होगा नहीं होगा, तो इसी वजह से मदरहाट, और टाइम भी ज़्यादा हो चुका है तो देखते हैं आज क्या सीन बनता है। तो चलिए भाई फटाफट से निकलते हैं एंड जाते हैं मदरहाट, देन करवाते हैं काम। सो चलो मोटर ब्लॉगिंग सेटअप में। इतने गारी इतने धूल और मिट्टी, पहले एक एड आता था ना गाइस, धूल मिट्टी होगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। घंटा साला इधर बढ़ तो नहीं रहा है, बस धूल मिट्टी करवा के जो बड़े बड़े मालिक सब है वो सब पैसा कमा रहा है यार। और मेरे को ना अभी थोड़ा जल्दी जल्दी जाना पड़ेगा गाइस, क्योंकि भाई को मैंने 1 बजे का टाइम दिया था और निकलते निकलते मेरा ही 2 बज गया, तो ऑलमोस्ट 5 or 6 मिनट्स के बाद अपन भी पहुंच जाएगा। सबर नहीं हो रहा है गाइस, सबर नहीं हो रहा है, जल्दी जल्दी से यार लगवा के ना एक नया सा लुक में देखने के लिए मन कर रहा है यार। यही तो सुकून है रे देवा। और गाइस, मेरे को ना और एक चीज ख्याल रखना पड़ रहा है यार, ये डिकल्स उड़ ना जाए, बैग से निकला हुआ है ना थोड़ा सा, हवा के लिए अगर उड़ जाएगा तो भाई चूना लग जाएगा मेरा मोटा वाला। मेरा तो शायद ऑर्डर जो मैंने किया था एंड वो डिलीवरी चार्ज GST सब कुछ लग के थोड़ा महंगाई गिर गया, महंगा थोड़ा महंगा नहीं कुछ ज़्यादा ही महंगाई गिर गया। अभी भाई को बीरपाड़ा से पिक करना पड़ेगा, देन निकल जाऊँगा यार सीधा मदरहाट के ओर। दो बाइक लेके जा सकते थे लेकिन मैंने भाई को बोला यार क्या करेगा दो बाइक लेके, ऐसे ही गाड़ी भी चल रहा है तो मेरे यहाँ पे ही चलो। क्या हाल चाल भाई? चलो सिटी एरिया में घुसने से ना गाइस बहुत ज़्यादा टाइम लॉस हो जाता है,
क्योंकि इतना ज़्यादा रश रहता है इसके अंदर, T2 इधर भी गाड़ी निकलता है उधर भी निकलता है। भाई साहब इतना हवा लग के गया ना ट्रक का, बड़ा पछाड़ देता भाई। तो कुछ ही देर के बाद हम लोग पहुंचने वाले हैं मादरी हाट, एंड इधर पूरा जंगल सूख चुका है गाइस। बस कुछ दिन के बाद इधर पूरा हरियाली फिर से छा जाएगा क्योंकि विंटर ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही चुका है। आप पहुँचे मादरी हाट गाइस। अभी इधर से ना हम लोग को मार्केट वाला रोड लेना है, एंड अभी तो यार मेरे को पता नहीं है कौन सा दुकान में करता है, भाई को पता है सब कुछ। बंद ना हो बस, इधर तो एक दो दुकान बंद देख रहा हूँ मैं। भाई कौन सा दुकान आगे? थोड़ा सूना सूना सा लग रहा है गाइस मादरी हाट मार्केट, दोपहर है शायद इसी वजह से सूना सूना लग रहा है। बाकी यार शाम को और सुबह बहुत ज़्यादा ही भीड़ रहता है यहाँ पे। ये वाला ना, अच्छा छोटू सा दुकान है, पूरा खाली है दुकान भी गाइस। चलो भाई ढूंढ के तो मिल गया है दुकान, अभी देखते हैं पूछ लेते हैं सब कुछ, देन आप लोगों को बताता हूँ यार क्या सीन है। ठीक है कितना कितना सारा आएगा? 12 पीस होगा शायद। कितना पड़ी ना कितना पड़ी? 1000 रुपया। तो गाइस फाइनली आप पहुँचे यार कार एंड बाइक स्टिकर्स, एंड ये है मादरी हाट में। यहाँ पे आके यार दुकान थोड़ा सा खाली था तो इसी वजह से काम चालू हो चुका है यहाँ पे। एंड भाई प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा ही हो रहा है यहाँ पे अभी, मतलब एक तो इतना महंगा पैसा देके यार ऑर्डर किया, एंड लगाने में इतना ज़्यादा खर्चा हो रहा है ना। अभी लग रहा है गली गुड़ी जाता है वहाँ से मस्त यार बनवा के, वहाँ पर उतना ज़्यादा चार्ज भी नहीं लगता, सब कुछ सस्ते में हो जाता। और यहाँ पे लगवाने का और ऑर्डर करने का कॉस्ट ऑलमोस्ट 7000 आ चुका है मेरा, मतलब पूरा पूरी 7000 ही आ चुका है भाई। और यहाँ तक लेके आया उसका पेट्रोल का खर्चा अलग, खाना पीना वो अलग जाएगा। तो अभी यार काम चालू हो चुका है भाई लोग यहाँ, और फेयरिंग भी खोलना पड़ेगा क्योंकि फेयरिंग बिना खोले यहाँ पे काम करना कुछ पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि छोटा छोटा सा कटआउट है एंड सब कुछ निकालना पड़ेगा धीरे धीरे से। अभी टाइम बज रहा है 2:57, एंड कितना टाइम लगेगा शायद 2 घंटा जैसा लग ही जाएगा, तो तब तक वेट कर लेंगे गाइस यहाँ पे। ठीक है किया जा रहा है बाइक को थोड़ा सा वॉश, क्योंकि अपन ने थोड़ा सा खुराबाती दिमाग लगा के 12.5 रुपया वाला जो पॉलिश मिलता है ना वो करवा लिया था भाई। हरगिज मत कीजिएगा वो वाला चीज़, क्योंकि शाइन तो मिलता है लेकिन इतना ज़्यादा धूल चिपकता है ना भाई, खत्म सीन है। अभी तक यार चिपका हुआ है ये जगह पे मैंने लगाया था, पूरा यार मिट्टी मिट्टी हो गया अभी तक, और फेयरिंग में भी ना वही सब पूरा मिट्टी चिपका हुआ था। इसी वजह से यार धोने के बाद ही यहाँ पे काम चालू हो सकता है, वरना गाइस होगा ही नहीं, मतलब इतना ज़्यादा धूल लग के था। तो भैया जी अभी तक यार चल रहा है काम ही, और टाइम 5:33 5:30 बज चुका है, एंड बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है भाई। इतना बड़ा फेयरिंग है ना, कहाँ क्या क्या लगेगा सब देख देख के फिर काट काट के। ये जगह में बस यहाँ पे लगाया गया, अभी भी ये वाला पूरा पोर्शन बाकी है, ये वाला बाकी है, और अंडर बेली जो है ये सब भी बाकी है, और पीछे गाइस ये जगह पर भी शायद लगेगा ना, ये जगह पर तो वो सब भी बाकी है। तो देखते देखते यार शाम हो रहा है, और शाम को मादरी हाट का कुछ सीन आज खाली है गाइस, आज उतना भीड़ नहीं है। ये साइड मार्केट लगता है ना मेन, तो इसी वजह से भीड़ यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही है। सो गाइस देखते देखते और भी 1.5 घंटा हो चुका है, और काम अभी तक चल ही रहेगा इस। और यहाँ का ना एक और चीज़ सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी दिखाई दिया लास्ट में, ये जो बेली दिया गया है ना ये जगह का, यहाँ का जो पार्ट है मतलब कटआउट है वो सही से दिया ही नहीं गया, मतलब कटआउट है ही नहीं इसका, इसको फिर से काट के अच्छे से लगाना पड़ेगा। और अभी फेयरिंग भी लगाया जाएगा, ये एक फेयरिंग ये भी फुल हो चुका है, एंड लुक कैसा आएगा वो बाद में गाइस, लुक बाद में, पहले सब काम हो जाने दो उसके बाद। तो गाइस फाइनली अभी भी मैं वही जगह में हूँ जहाँ पे ये काम चल रहा था, एंड मेरे सामने गाइस बाइक रखा हुआ है, लेकिन मैं अभी नाइट में रिवील नहीं करने वाला हूँ इसको, इसको देखने के लिए आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर दो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो, और लाइक शेयर ये सब भी कर दो। महंगा इतना खर्चा किया था, थोड़ा सा अच्छा तो दिखना पड़ेगा ना इसको भी। तो बस सामने ही है गाइस, सामने ही है, लेकिन अभी रिवील नहीं करूँगा। तो मिलते यार नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक ले टेक केयर एंड स्टे सेफ।